शुक्रिया रोमाना, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। और देखिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग होने वाली है, छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज की वोटिंग होने वाली है। जो बेसिक जरूरी जानकारी है वो अपने दर्शकों को दे देते हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और देखिए, जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का विधानसभा है। लेकिन जो जरूरी जानकारी है, सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर देंगे कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। जिलों की अगर हम बात करें रोमाना, तो यहां पर 52 जिले हैं और वोटर्स की बात जाए तो 5.6 करोड़ वोटर हैं, जो कि इस वक्त फैसला करेंगे नेताओं की किस्मत का, जो किस्मत आजमा रहे चुनावी मैदान में। इसके अलावा उम्मीदवारों की बात की जाए कि कितने उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो 2534 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और देखिए, ये जो ग्राफिक है वो हमने अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर डाल दिया है कि किस तरीके से, क्या बेसिक जरूरी जानकारी उनके लिए है, वो तमाम चीजें इस वक्त स्क्रीन पर है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो देखिए, अटेर में 38 उम्मीदवार हैं, जबकि सबसे कम उम्मीदवारों की बात की जाए तो सेंधवा जगह, जहां पर 3 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। और वोटिंग का जो समय है, ये जनता को बता दें कि वोटिंग का जो समय है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा 2018 में वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ये 75% रहा था, लेकिन इस बार क्या ये बदलेगा, क्या ये इससे कम होगा, क्या ये इससे ज्यादा होगा, इस पर नजर हमारी होगी। और जब वोटिंग शुरू होगी, हलचल कैसी होगी, दिन पर दिन ये कैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, दिन चढ़ेगा, ये वोटिंग परसेंटेज भी बदलेगा। और ये वोटिंग परसेंटेज बताएगा कि क्या इस वक्त जो वहां पर सरकार है उसके लिए अच्छी खबर है, या कुछ बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में हो सकता है। रोमाना, शुक्रिया जया। तो जया और पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और पल पल का अपडेट और दिलचस्प जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मध्य प्रदेश इंदौर से। इंदौर में आप जानते हैं आज वोटिंग होनी है, और वोटिंग से पहले इंदौर में बड़ा बवाल हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इंदौर में भिड़ंत हो गई है। पुलिस को बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र में यह बवाल हुआ है, और इंदौर का राव विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां से कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी वो उम्मीदवार हैं, और ऐसे में जीतू पटवारी की यह सीट, जहां से 2013 हो या फिर 2018, लगातार जीतू पटवारी जीत दर्ज कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ जाते हैं। बवाल इतना बढ़ता है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। इंदौर की यह तस्वीर आपके सामने, और साथ ही आप जानते हैं कि इंदौर का ये पूरा इलाका जो है, यहां पर बीजेपी की तरफ से पूरा जोर इस रूप में लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से उम्मीदवार बनाकर यहां आसपास की जितनी सीटें हैं उस पर एक तरीके से प्रभाव डालने की रणनीति जो बीजेपी ने बनाई, उसका भी ये असर, कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है। और ऐसे में वोटिंग से एक दिन पहले रात में देखिए किस तरीके से आमने सामने आ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।